एनसीईआरटी की किताबों में इंडिया को भारत करने की सिफारिश, हिंदू योद्धाओं की जीत की कहानियां शामिल करने का सुझाव। राजस्थान में कांग्रेस के दो चुनावी वादे, महिलाओं को 10,000 हर साल, 1.05 करोड़ फैमिली को मिलेगा 500 में सिलेंडर। राजस्थान में युवक की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या, रास्ते के विवाद में 8 बार पहिए से रौंदा, लोग बनाते रहे वीडियो। न्यूज क्लिक केस में प्रबीर की कस्टडी 2 नवंबर तक बढ़ी, पटियाला हाउस कोर्ट का फैसला। मणिपुर में हाईटेक राइफल्स और चीनी ग्रेनेड बरामद, पहाड़ी इलाके वांगुलाई फार्म में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। कानपुर में 14 बच्चों को चढ़ाया एचआईवी हेपेटाइटिस संक्रमित ब्लड, खड़गे बोले बच्चों को भुगतनी पड़ रही भाजपा सरकार के अपराध की सजा। गाजियाबाद में प्लास्टिक गुड्स फैक्ट्री में लगी आग, बुलडोजर से तोड़वाई जा रही फैक्ट्री की दीवार। लखनऊ में बीकानेर रेस्टोरेंट सील, निगम ने 8,81,000 रुपए के बकाए पर की कार्रवाई, चेक भी हो चुके बाउंस। यूपी में डेंगू के 16,519 केस, लखनऊ में सबसे ज्यादा मरीज, एक्सपर्ट बोले दोबारा हुआ तो मल्टीपल ऑर्गन डैमेज का खतरा। मदरसों की जांच में शिक्षा विभाग के दखल पर आपत्ति, बोर्ड के अध्यक्ष बोले जांच का अधिकार केवल अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।